हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यारों की सफारी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संदीप और मेरे फ्रेंड दिनेश अभी गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ओपनिंग कर ली जाए। तो फ्रेंड्स, अभी चंडी देवी की चढ़ाई के सामने ही एक श्री दक्षिण काली मंदिर हमने देखा है, हम वहाँ पे जा रहे हैं आज, जो कि 300 साल पुराना बताया गया है। तो हमने सोचा क्यों ना इस मंदिर में भी जाया जाए। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो। सो शुरू करते हैं आज की जर्नी। फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी आपको? ये एक काली माता का मंदिर है जो चंडी घाट के बिल्कुल साथ में ही है, और इसको भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। यहाँ पे प्राचीन काल से 300 साल पुराना मंदिर है, और जो कहते हैं कि जब काली माता थी, जब वो अपने विकट रूप में आई थी राक्षसों का वध करने के लिए, तो ये यहाँ वो रूप है इनका दिखाया हुआ। हम मंदिर में गए, हमने वीडियो भी बनाया, बट एक्चुअली क्या है कि आपको मालूम है कि कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के भी और मंदिर के प्रशासन के भी, तो आपको मालूम है, तो हमने अंदर का शूट नहीं किया है। बाकी मंदिर के अंदर जो ऑलमोस्ट जो कर सकते थे हमने किया, बट हम इंटरनल नहीं जा सके क्योंकि ये रूल है वहाँ पे। मंदिर में गए, शांति मिली, बहुत अच्छा मंदिर है, और अभी ओपन नहीं हुआ था तो 5:30 पर ओपन हुआ है वो, वहाँ प्रसाद चढ़ाया है, और उसके बाद वहीं से ही नीचे के लिए एक रास्ता जाता है जहाँ गर्भगृह है, वहाँ भी मतलब शूट करना अलाउ नहीं है। वहाँ पे भी काफ़ी मतलब माता की मूर्तियाँ हैं, बहुत आकर्षित है, और विकट जैसे कहते हैं ना, विकट और विकराल रूप से जैसे वैसी है। बाकी यार और मंदिर बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी शांति मिली, और काफ़ी टाइम हमने वहाँ बिताया, बैठे हुए थे हम, काफ़ी अच्छा रहता है यार, आना चाहिए। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम हरिद्वार हैं तो प्लीज़ यहाँ भी आइएगा। अब बिल्कुल आसान है, जब आप चंडी घाट आएंगे, चंडी घाट में आप किसी ही पूछ लीजिएगा, वॉकिंग डिस्टेंस है, आप वहाँ इजीली आ सकते हैं, घाट के बिल्कुल साथ ही है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक नहीं किया वो प्लीज़ क्लिक करिए, और अगली वीडियो तक के लिए आपको कहना चाहेंगे बाय।